और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से 40 यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई है और इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 30 से अधिक यात्री घायल हो चुके हैं। मामूली घायलों को गंगेब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जबकि 8 गंभीर घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया है। भीषण सड़क हादसे की सूचना के बाद में कलेक्टर मनोज पुष्प और SP नवनीत भसीन भी मौके पर पहुंचे हैं। ये दुर्घटना गढ़ थाना के अंतर्गत टिकुरी 32 गांव से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर हुई है। बस जो है प्रयागराज जा रही थी, पक्षीराज ट्रेवल्स की बस थी जो शेड्यूल से प्रयागराज के लिए निकली थी। सुबह 3:30 पर ग्राम टिकुरी थाना गढ़ के पास में एक ट्रक से उसका भिड़ंत हो गया, जिससे चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और बस पे जो सवार थे लगभग 25 लोगों की घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय उपचार हेतु स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको भर्ती कराया गया है।